सर, सर ये जो वायर होती है सर, इस वायर में सर करंट कैसे बहता है सर? अगर इस वायर को अगर किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करें या किसी पावर सोर्स से कनेक्ट नहीं करें तो सर इसमें करंट क्यों नहीं बहता सर? बैटरी और पावर सोर्स की जरूरत क्यों होती है सर? अब बेटा इस बात को समझाने के लिए मैंने बनाया है एक बिल्कुल ही सिंपल सा सेटअप। आप देखिए मेरे पास एक वाटर बॉटल है जिसमें मैंने ले लिया थोड़ा सा पानी, है ना। वाटर बॉटल ऊपर से खुली हुई है और ध्यान से देखो तो अगर इस वाटर बॉटल को मैं बिल्कुल ऐसे सीधा कर दूं तो भी देखो पानी इसमें से बाहर नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि बॉटल के दोनों सिरों की जो हाइट है वो इस बेंच से देखो बिल्कुल सेम है ना, एकदम बिल्कुल सेम है। अब आप ध्यान से देखिए तो इधर के एंड की और इधर के एंड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए जो पानी है वो इसमें से बह नहीं रहा। वाकई में तार में से करंट का बहना ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे किसी पाइप में पानी का बहना, और पानी तब तक नहीं बह सकता जब तक इसे ऊंचाई और निचाई का डिफरेंस ना मिल जाए। तो जब ऊंचाई निचाई का डिफरेंस मिलेगा तब पानी बहेगा, और नहीं तो पानी बहने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जब किसी तार को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो बैटरी इस तार के दोनों एंड पर क्रिएट कर देती है एक पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट बहने लग जाता है।